हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मल्टीटेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि व्हाट्सएप का न्यू पॉलिसी अपडेट आया है, जिसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो तो आप लोगों ने जान ही लिया होगा अभी। तो अब लोग सोच रहे हैं कि उसका अल्टरनेट क्या होगा जो नहीं यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसका प्राइवेसी में बहुत सारा कमी आ जाएगा। हमारा डाटा शेयर किया जाएगा फेसबुक और अदर कंपनी से। तो हम चाहते हैं अब कि कोई अल्टरनेट मिले हमें व्हाट्सएप का। ऐसे तो कई सारे अल्टरनेट हैं, जैसे कि टेलीग्राम हो गया और भी कई सारे हैं, लेकिन एक ऐसा ऐप है जिसको आप लोगों में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे, जिसके बारे में आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो उसी टॉपिक पे। सबसे पहले मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल मल्टीटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या कहीं पे भी आपके लिए हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस ऐप का नाम है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है, वो है सिग्नल। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका नाम सिग्नल ही है। ये एक बिल्कुल ही प्राइवेसी वाला ऐप है, जैसा कि आप लोग इसके इस्तेमाल करके आपको पता ही चल जाएगा। और इसका भी पॉलिसी पढ़ लीजिएगा आप लोग डाउनलोड करने से पहले। एक टेलीग्राम भी कर सकते हैं आप लोग, लेकिन टेलीग्राम तो हर कोई जानता है पर इसके बारे में नहीं जानता। एलन मस्क भी सिग्नल ऐप को इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने ट्वीट करके भी बताया था कि सिग्नल पे आ जाओ। इस ऐप का आइकॉन आपको ब्लू कलर में मिल जाता है। इस ऐप में बहुत सारे फीचर्स तो नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल ही एक सिक्योर मैसेंजर है। इसको आप लोग ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ट्रस्टेड है, ओपन सोर्स भी है ये। इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो आप लोग सोचेंगे कि अगर ये फ्री है तो इसको पैसे कहाँ से मिलते होंगे, तो ये डोनेशन से चलता है। इस कंपनी को जो ऑन करते हैं वो डोनेशन से अपना मतलब डेवलपर का घर चलता है। तो इसमें एड्स वगैरह दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कंपनियों को, क्योंकि इनका पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। ये यूजर का डाटा उसके फ़ोन में ही इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव कर देते हैं और ये कहीं भी अलग सर्वर पे ये स्टोर नहीं होता है। तो अगर यूजर्स को कोई भी प्रॉब्लम प्राइवेसी के रिलेटेड नहीं आने वाला है आई थिंक इस ऐप में। और मैं इस ऐप को दिखा सकता हूँ, जैसे कि इसका इंटरफेस वगैरह आप लोग देख ही सकते हैं। जैसा कि देख सकते हैं इसका आइकन, इसका लॉगिन पेज, इसके और सभी इंटरफेसेस और इसका इन यूआई इंटरफेस। अभी इसमें कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैंने अभी से इंस्टॉल किया है, अभी इसमें लॉगिन किया है, इससे किसी को चैट भी नहीं किया, इसलिए इसमें ब्लैंक है। बट इसमें आप चैट करते जाएंगे, यहाँ पे ऐड होते जाएगा। फिर ये कुछ व्हाट्सएप से मिलता जुलता है, हालांकि व्हाट्सएप इतना फीचर नहीं है इसमें, लेकिन हाँ आप चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। इसमें वीडियो कॉल भी इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में ही होता है, जिससे कि कोई आपका वीडियो ट्रैक भी नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही यूनिक और अच्छा ऐप है, जो कि व्हाट्सएप का एक परफेक्ट अल्टरनेट हो सकता है आई थिंक। पर्सनली मैं इसे यूज करने वाला हूँ अब। अगर आप लोगों को भी ये पसंद आया है तो आप जरूर इसे एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। बिल्कुल ये ट्रस्टेड है, ये कोई थर्ड पार्टी मतलब ये कोई भी अनट्रस्टेड सोर्स से नहीं है। आपका डाटा कहीं भी लूज नहीं होगा। आप इसे कोई भी परमिशन ना भी दें तो भी ये परफेक्टली वर्क करेगा। आप इसे स्टोरेज का परमिशन दे सकते हैं जब आपको कुछ अपलोड करना है, फिर बाद में आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं, फिर भी ये परफेक्टली रन करेगा। मेरे ख्याल से ये एक बेस्ट मैसेजिंग के लिए, चैटिंग के लिए व्हाट्सएप का अल्टरनेट एक परफेक्ट है मेरे हिसाब से। तो आप लोग इसे एक बार जरूर ट्राई करें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे एक लाइक जरूर करें।